हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रानी की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं जिमीकंद की सब्जी। ये सब्जी बिल्कुल ही चिकन जैसी टेस्ट की होती है। इससे पहले हमने जिमीकंद की चटनी बनानी भी सिखाई है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिमीकंद की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ 500 ग्राम जिमीकंद लिया है। इसे छोटे टुकड़ों में काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। 2 बड़े साइज का प्याज कटा हुआ, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच, 12 से 15 लहसुन की कलियां, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 तेजपत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये सब्जी हम सरसों के तेल में बनाएंगे। सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम मसाला तैयार कर लेंगे। एक मिक्सर जार में लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इस तेल में जिमीकंद को डाल के 2 से 2.5 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये हमारा जिमीकंद फ्राई हो चुका है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तेल में थोड़ा सा और तेल डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च और प्याज। प्याज डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमने जो मसाला तैयार किया था उसमें डालेंगे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें मिक्स किया हुआ मसाला डाल के अच्छे से 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। हम इस मसाले को लगातार चलाते रहेंगे। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ जिमीकंद। जिमीकंद को मसाले में अच्छी तरीके से कोट कर देंगे। कढ़ाई को हटा के एक कुकर गैस पे चढ़ाएंगे। सारी सब्जी कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारा प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में किया था। 1.5 से 2 गिलास पानी डालेंगे। गरम मसाला डाल के 2 सीटी लगने तक का वेट करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। ये हमारी कुकर में सीटी आ चुकी है। अब हम इसे ठंडा करके खोलेंगे। ये हमारी जिमीकंद की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर लेंगे। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।